अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान और मैं नॉर्मली इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन आज आई एम बीइंग फोर्स्ड टू मेक दिस वीडियो। अगर आप सीरियस न्यूज़ की बात है नहीं आप सुनना चाहते, थोड़ी सी पिक्चर्स और वीडियोस मैं नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, लेकिन आई विल श्योरली अपना ओपिनियन ज़रूर ज़ाहिर करूँगा। और ये बिल्कुल अनकट वीडियो है, तो ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। और ये है उज़्मा केस के बारे में। यार क्या मतलब कि क्या कहूँ मैं इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता इस केस का, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। मैं आपको मुझे पता है डिस्टर्बिंग बात है, लेकिन इस पर अवेयरनेस आनी चाहिए। उज़्मा एक 16 साल की बच्ची थी जो एम्प्लॉयड थी एक मुलाजमा के तौर पर एक घर में, और 8 मंथ्स के लिए उससे इतना ज़्यादा तशद्दुद उस पर हुआ, टॉर्चर किया गया उसे, भूखा रखा, स्टार मतलब कि बहुत, मैं आपको बात बता भी नहीं सकता, पिक्चर्स को दूर के बाद बताना भी दर्द होती है। और वो बच्ची की डेथ हो चुकी है अब। और डेथ भी क्यों हुई, क्योंकि उसने एक नबाला ले लिया था, जिसकी जिसके घर एम्प्लॉयड थी ना, उसकी बेटी के प्लेट से एक नबाला ले लिया था, और उसके सर पर उसने एक भारी चीज़ मारी और उसकी बॉडी को नाले में फेंक दिया गया। और मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे बहुत बहुत दर्द होता है अंदर से कि ये किस तरह के लोग हैं। जो पाकिस्तान का लॉ भी है वो भी ये कहता है कि 14 ईयर्स से अंडर नहीं होता, लेकिन इट्स नॉट अगेंस्ट द लॉ टू एम्प्लॉय अ 16-year-old girl, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर। और आप किस तरह के इंसान हो, आप एक और इंसान के साथ इतना तशद्दुद कर रहे हो, यू आर नॉट ऑल राइट। और ये बात सुन के मुझे बहुत दुख है यार। देखें, चाइल्ड लेबर इज़ समथिंग वेरी डिबेटेड अबाउट, और मेरे हिसाब से चाइल्ड लेबर इज़ वेरी वेरी बैड, नहीं होना चाहिए। जब तक एक बच्चा फुली तौर पर न्यूट्री मतलब कि स्ट्रांग नहीं होता, तब तक उसे लेबर क्यों करवा रहे हो। और ये पाकिस्तान में बहुत कल्चर हो चुका है एक एज सर्वेंट्स और मेड्स का, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। रखें स्कूल पर भिजवाएं फिर, और आप फिर उन्हें फीड प्रॉपरली करें, और आप ख्याल रखें इंसान है वो भी। ये मुझे, मेरे दिल को तो बहुत दर्द हुई है, और मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ ऑनेस्ट हो रहा हूँ, मैंने कुछ एडिटिंग नहीं होनी है इस पर। और बस ही मेरा दिल था कि मैं आप लोगों से ये बात इजहार करूँ, क्योंकि ये चैनल मेरी लाइफ के बारे में, जो चीज़ें मुझे अफेक्ट करती हैं उनके बारे में मैं वीडियोस बनाता हूँ। और इस न्यूज़ को देख के मुझे बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। माशाल्लाह से उन औरतों को, उन क्रूअल, और अब मैं यहाँ पर बहुत गुस्से से कह रहा हूँ, जालिम औरतों को पकड़ लिया गया, शुक्र अल्लाह से। लेकिन यहाँ पर चलो पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट की हमें नहीं परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह मियाँ जस्टिस करेंगे। दुनिया में नहीं मिलती पनिशमेंट, अल्लाह ना करे, मेरा फुल है कि जैसे ही उन्होंने उस बच्ची को टॉर्चर किया वैसे ही इन्हें टॉर्चर किया जाए, लेकिन अल्लाह मियाँ भी फुल जस्टिस जस्टिस होती है ना, आग ऊपर जाके भी फुल जस्टिस होने वाली है। तो पनिशमेंट का हमें कोई नहीं है, लेकिन हमें यह है कि ये चीज़ फिर से ना हो। इन्हें ऊपर जाके भी पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है, अगर अल्लाह चाहेगा तो पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आपने एक बच्ची को इतना ज़्यादा लाइक तशद्दुद किया, यू लाइक टॉर्चर्ड हर, और आप एंड में उसे बिल्कुल लाइक वर्थलेस ट्रैश आपने उसे नाले में फेंक दिया। दिस इज़ वेरी सैड। और मैं बस इस छोटी सी बात पर अपना छोटी सॉरी इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर अपना एक छोटा सा ओपिनियन देना चाह रहा था। बाकी नॉर्मल वीडियोज़ आती रहेंगी, लेकिन आई एम ऑलवेज रियल विद यू गाइज, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक पर, एक इस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर आप लोगों से बात की है। यूट्यूबर्स नहीं करते यार, लेकिन मैं भी कोई प्रॉपर, आई एम नॉट अ क्लिक बेट नहीं करता मैं। और बस यार बहुत दुख की बात है, अल्लाह मियाँ उस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। आप लोग भी अपील करें, गवर्नमेंट से अपील करें कि एक्शन लें इस बात पर, पकड़ तो चुके हैं उसे। बस ये मेरी छोटी सी ओपिनियन थी, और कुछ कहने को नहीं है। दुख बहुत हुआ यार, वेरी सैड कि
इस तरह भी लोगों इतने मतलब के लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिंपथी इतना ज़्यादा, आप किस तरह कर सकते हैं गुच्ची को टॉर्चर? इट्स आउट ऑफ माई माइंड। और अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान नहीं सिर्फ पूरी दुनिया में, कोई बच्चा इस तरह ना सफ़र करे। और अल्लाह मियाँ उज़्मा की रूह को बख्शे, राज़ी हो उससे और उसे जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। मेरा नाम है अब्दुल्ला ख़ान और दिस वॉज माई लिटिल ओपिनियन। खुदा हाफिज़, टेक केयर।